खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजाना गुजरे की मजाल ना हो। पूरी कौम को 77वां यौमे आज़ादी मुबारक। मुल्क में हर तरफ सब्ज परचमों की बहार, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में चिराग़ा और आतिशबाजी, यौमे आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी की रैलियां, कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, लाहौर में मीनार पाकिस्तान भी रोशनियों में नहा गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज़ादी परेड पीएमए काकुल में तारीखी खिताब। फितनतुल ख्वारिज और डिजिटल दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल ख्वारिज के रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ कि अगर तुम शरीयत, इस्लाम और आईने पाकिस्तान को नहीं मानते तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन अफगानिस्तान फितनतुल ख्वारिज को हमारे खिलाफ तरजीह ना दे, क्योंकि पाकिस्तान को कमजोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। पिछले चंद साल से डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठी खबरों के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान का आईन इजहार राय की आज़ादी जरूर देता है, मगर आईन ने उसकी वाज़ह हदबंदी भी कर रखी है। अपने दुश्मनों को वाज़ह पैगाम देते हैं कि रवायती जंग हो या गैर रवायती, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूरस्थ जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने कहा आज़ादी की कीमत चुकाए बगैर नहीं मिलती, इसके लिए बहुत से बेटों और बेटियों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कौम को 77वें यौमे आज़ादी की मुबारकबाद, कहा आज आज़ादी का जश्न मनाते हुए हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और उन्हें हर तरह के सियासी, सिफारती और अखलाकी तआवुन का भरपूर यकीन दिलाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का मसला फलस्तीन के पुरअमन हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाना और इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान का मकाम हर दौर में न सिर्फ खित्ते और मुस्लिम उम्मा में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का पीएमए काकुल में खिताब। वतन अजीज के 77वीं यौमे आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा, मादर वतन के शहदा को खसूसी खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलामती के चबूतरे पर आमद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। तकरीब में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर भी सुनाई गई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का मार्च पास, मिलिट्री बैंड ने मिली नगमों की धुनें बजाई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में परचम कशाई की। हुकूमत का यौमे आज़ादी पर आवाम को शानदार तोहफा, पेट्रोलियम मसवाद कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8.47 रुपये सस्ता, नई कीमत 260.96 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6.70 रुपये कमी, डीजल की नई कीमत 266.07 रुपये हो गई। पूरी कौम यौमे आज़ादी शायान शान तरीके से मना रही है। हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार, छोटे बड़े सभी वतन की मोहब्बत से सरशार। मार्केटों, बाजारों में झंडियों, बैजेज और दीगर आराशी सामान की भरमार, बच्चे और बड़े सभी पुरजोश, आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरआज़म। बच्चियां सब सफ़ेद चूड़ियां और बलबुसार खरीदने में मगन, जगह जगह कौमी परचम, झंडियां, बानी पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स आवेज़ा। रावलपिंडी से चलने वाले आज़ादी फ्लोट लाहौर पहुंच गई। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। सरकारी और निजी इमारतों, सड़कों, बाजारों और मार्केटों में शानदार चिराग़ा, हर शहर सब्ज़ और सफ़ेद रंग की लाइटों से रोशन। तारीखी बाब खैबर को भी सब्ज़ लाली परचम और बरखी कुमकुमों से सजा दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में यौमे आज़ादी की तकरीब, मीनार पाकिस्तान को बरखी कुमकुमों से सजा दिया गया। मीनार पाकिस्तान के साय तले आज़ादी मुशायरे और म्यूजिकल नाइट का अहतमाम, नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। 14 अगस्त का आगाज़ होते ही मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा।
जश्न आजादी के रंग दुनिया न्यूज के संग। अपना घर सजाएं, सब सिलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं, अपने और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। बलोचिस्तान में जश्न आजादी की मुनासिबत से रंगारंग तकरीबात का अहतमाम। जश्न आजादी ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद, मुख्तलिफ टीमों के दरमियान घुड़सवारी और नेजाबाजी के भी शानदार मुकाबले। बलोच सकाफती रक्स बलोची चौप ने महफिल में रंग बिखेर दिए। दीगर गेम्स में भी तलबा और बच्चों की भरपूर शिरकत। पाक फौज बलोचिस्तान कॉन्स्टेबिलिटी के दरमियान नुमाइशी पोलो मैच का भी इनेकाद। वजीर अला बलोचिस्तान ने नमा तकसीम किए। मुफ्ती स्टेडियम कोयटा में भी यौम आजादी की मुनासिबत से तकरीब। नायब वजीर आजम मिसा हकदार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी और सूबाई वजरा शरीक। आज़ाद कश्मीर में भी 77वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज। पाक फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल नीलम वैली में जश्न आज़ादी पाकिस्तान जीप रैली, सैकड़ों गाड़ियों की शिरकत। जश्न आज़ादी रैली में कौमी तरानों और मिली नगमों की गूंज। रैली में स्कूलों और कॉलेजों के तलबा, सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से मुअत्तर हो गई। मंगला डैम में बोट रैली का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीड बोट्स पर पाकिस्तान के परचम आवेज़ा। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मुनासिबत से डिजिटल तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। तालिब इल्मों ने वतन से मोहब्बत को कलम की मदद से कागज़ पर उतार दिया। नुमाइश में जश्न आज़ादी के साथ साथ सकाफत को उजागर करने वाली पेंटिंग्स भी बनाई गईं। किसी ने आलात मौसीकी और को जश्न आज़ादी से मंसूब किया, किसी ने बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बना दिया। सदर ममलिकत की पूरे कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी पर अहद करें, पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे। मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा। मुल्क इतिहाद सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत है। कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवामी मफाद में दिलो जान से काम करना होगा। कौम को हमसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, अवाम उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए नौजवानों और ख़वातीन पर सरमायाकारी करना होगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक के लिए अपनी हमायत का इदा करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आज़ादी पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, कौम ने लाजवाब कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की, अपनी आज़ादी को हर सूरत कायम और दायम रखेंगे। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दिन रात एक कर देंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमारी कोशिशों के मस्बत नतायज आना शुरू हो गए हैं। आज के दिन मुझ समेत पूरी कौम अपने आबाव अजदाद और तहरीक पाकिस्तान के लातदाद गुमनाम हीरोज़ की बेपनाह कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को भी सराहा। ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किलें और कुर्बानियां देकर मिली है। इस आज़ादी को हासिल करने में हमारे बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन का खून शामिल है। इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कई जवान अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तमाम इदारे और फौजी जवान इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यौम आज़ादी के मौके पर शहदा के लवाहिकीन का खसूसी पैगाम, इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर और कायद आज़म के अज़्म की तकमील का नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा कायम उदायम रहेगा, ये अहद करते हैं, हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। पाक फौज के जवानों ने वतन की मिट्टी के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं। यौम आज़ादी पर तलबा का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। अक़लियती बरादरी का भी वतन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान खुदा की वो नेमत है जो हमें हमारे बुजुर्गों की बेशुमार कुर्बानियों से मिली है। हमारे मुल्क को फितरत और ख्वारिज का सामना है। अक़लियती बरादरी हफाज़े पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अक़लियतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं और खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। यौम आज़ादी पर अक़लियती बरादरी का अपने जज्बात का इजहार। जर्मन कौंसल जनरल भी आज़ादी के रंग में रंग गया। डॉक्टर रोड्रिगर की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम भी लहराया। जर्मन कौंसल जनरल की पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद।
हुकूमत पाकिस्तान को अशर नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी हीरो के लिए 15 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान। कोच सलमान भट्ट को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कोच सलमान भट्ट को 23 मार्च को मेडल दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का स्पोर्ट्स इंडेवमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपये देने का भी ऐलान। अरशद नदीम ने 40 साल बाद मेहनत से गोल्ड मेडल जितवाया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी पर खुशी को दुबाला कर दिया। अरशद नदीम की कामयाबी ने बताया है मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। अरशद नदीम की मिसाल से मुझे और कौम को हौसला मिला है। पाकिस्तान के हिमालय नुमा चैलेंजेस को भी अबूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अरशद नदीम के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। कौमी हीरो के अहले खाना की भी इस्तकबालिया में शिरकत। नीयत लूटमार की होगी तो फिर तबाही ही होती है। हमने फैसला करना है तबाही से बचना, खुशहाली की तरफ जाना है। बिजली के निज़ाम की बेहतरी से मईशत मुस्तहकम होगी। निज़ाम को बेहतर करके बिजली की कीमत को कम करेंगे। घरेलू सार्फीन ज़रात तिजारत के लिए बिजली सस्ती करेंगे। सालाना 500 अरब की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी मिली भगत से होती है। बिजली के बिलों में हेरा फेरी की जाती है। हमने इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब तक पहुँच गया है। क्या इतने भारी भरकम गर्दिशी कर्जों के साथ मुल्क चल सकता है? गर्दिशी कर्जे की एक वजह कमजोर ट्रांसमिशन सिस्टम और लाइन लॉसेज हैं। डिस्कोस की कारकर्दगी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए चेयरमैन और बोर्ड अरकान की मुलाकात। तैनाती पर मुबारकबाद, उन्हें ख्वाहिशात का इजहार। बिजली तकसीम कार कंपनियां अपनी कस्टमर सर्विसेज बेहतर बनाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब के बिजली के बिलों पर रिलीफ के लिए अहम फैसले। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। अपना घर अपनी छत के मॉडल घर की भी मंजूरी। शहर में 5 मरला और देहात में 10 मरला तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। मरीम नवाज की जेर सदालत सूबाई काबीना का 13वां इजलास। वज़ीर-ए-आला की कम अज़ कम पहले 3 माह महाना किस्त ना लेने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब में इलेक्ट्रो बस चलेंगी। काबीनों को मॉडल पेश। आइंदा 2 माह में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मरी की सियाहती तरक्की के लिए ग्लास ट्रेन मेरा ख्वाब है। मरी ग्लास ट्रेन पंजाब ही नहीं पाकिस्तान के अपनी तर्ज का पहला मुनफरिद प्रोजेक्ट है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज। पूरे सिस्टम को बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। हुकूमत IPPs माहिदों पर डरा रही है। वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। बॉर्डर पर तेल की स्मगलिंग से मुल्क को 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। स्मगलर्स को सजाएं देने से मामलात बेहतर हो सकते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत ने FBR को नैब जैसे इख्तियार दे दिए। FBR टैक्स को बढ़ाने के बजाय अपने करप्शन बढ़ा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैज़ हमीद के मामले को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। सारी मेहनत टिकटॉक पर की जाती है। अली अमीन गंडापुर के एक बार फिर नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर वार। बानी PTI हमारा कप्तान है, जहां खिलाएगा वहां खेलेंगे। विफाक से खैरात नहीं मांग रहा, सूबे का हक मांग रहा हूं। विफाक हमारा हक दे ताकि तरक्याती कामों में तेजी लाई जा सके। सरकारी खजाना मेरे बाप नहीं आवाम की मिल्कियत है। चीन ने बहुत तेजी से तरक्की की है। चीन के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब।